और छत्तीसगढ़ के दौरे पर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या पहुंचे हैं। तेजस्वी सूर्या का बयान भी सामने आया, सीएम हाउस में बीजेपी को स्थापित करने का संकल्प लेंगे, ये बात कही है तेजस्वी सूर्या ने। और कहा छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाले पर कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह का घोटाला नहीं है। जब कोर्ट का फैसला आता है तब देश के हर प्रदेश में लागू होता है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, इस पर भी सूर्या का बयान सामने आया। सूर्या ने कहा कि पूरा विश्व एकजुट होकर हमास के टेरर अटैक की निंदा कर रहा है, वोट बैंक को लेकर कांग्रेस की निंदा नहीं कर पा रही है, ये बड़ी बात कही सूर्या। महादेव सट्टा ऐप पर भी बॉलीवुड सितारों का नाम आया है, ये बात कही है। गलती जो भी किया होगा वो प्रदेश स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, घोटाला जो भी होगा, जो भी इलीगैलिटीज होगी, ऐसे लोगों को चुन चुन कर कानून के जस्टिस को मिलाने का जो काम है वो नरेंद्र मोदी सरकार हमेशा करते आई है। हर स्कैम में, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो सकता है देश के, वो ईशान्य भाग में हो सकता है, उत्तर भाग में हो सकता है, हृदय भाग में हो सकता है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज है उसको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार की। इसराइल में जो हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड ब्रूटल टेरर अटैक है। अमानवीय रूप से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर हजारों जो आम जनता थे उनके ऊपर बर्बर तरीके से अटैक हुआ था। हमास और पैलेस्टीन के बीच में हम कंफ्यूज नहीं करना है। हमास एक डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तोयबा हो, आईसिस हो, इसी प्रकार का एक बर्बर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है। और हमास को पूरे विश्व एकजुट होकर खंडन करना जरूरी है।